उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी में लोग जल संकट की बेतहाशा मार झेल रहे हैं। पब्लिक पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में बड़कोट के घरों में सूखा पड़ा है। ये वो जगह है जहां से 500 मीटर की दूरी पर यमुना की धारा बहती है। बावजूद इसके गर्मी के तपते महीने में लोग पेयजल संकट के चलते परेशान हैं। प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लोग पंपिंग पेयजल योजना की धनराशि स्वीकार करने की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच लोगों के प्रदर्शन का नया तरीका भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीएम मोदी और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर सामने रखकर भजन कीर्तन किया। साथ ही सीएम और पीएम से पंपिंग योजना की धनराशि स्वीकृत किए जाने की गुहार लगाई। हमारे आंदोलन का ये तीसरा दिन था और इसके पीछे आज भजन कीर्तन हम लोगों ने इसलिए किया कि आज भारत के प्रधानमंत्री कल जो है शपथ ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक शपथ और भी ले कि यमुना के तट के लोग जो प्यासे हैं उनके लिए पंपिंग योजना कि वो वहां से जो है घोषणा करें। और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप दोनों के हमने फोटो लगा करके यहाँ भजन कीर्तन किया, क्योंकि आप लोग कलयुग के देवता हैं और आज आपकी जो प्रजा है वो प्यासी है। तो ये हम उम्मीद करेंगे इस भजन कीर्तन के माध्यम से कि आप जो है बड़कोट की एक लंबी और बड़ी पेयजल योजना स्वीकृत करें। महज 500 मीटर की दूरी पर माँ यमुना यहाँ जलधारा बह रही है, वहीं से एक पंपिंग योजना बड़कोट के लिए स्वीकृत हो, वित्तीय स्वीकृत हो, क्योंकि सर्वे भी हो चुका है, प्रतिकर भी बढ़ चुका है, लेकिन योजना अभी धरातल पर नहीं दिख रही है। तो ये उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि आप जो है ये भजन कीर्तन के माध्यम से हम जो चेताने का काम कर रहे हैं उसके पीछे मंशा है कि हमें पेयजल योजना हमारी स्वीकृत हो। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोग बड़कोट को यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। तीन दिनों से लगातार जारी धरना प्रदर्शन के बीच लोग अब सीधे पीएम और सीएम की तस्वीरों के आगे भजन कीर्तन करते हुए गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रजा प्यासी है और अब राजा ही इस संकट से सबको उबार सकते हैं। सरकार से ये भी कह रहे हैं कि जहां से निकलकर यमुना नदी सैकड़ों किलोमीटर तक लोगों की प्यास बुझाती है, जिनकी धारा से सिंचित होकर कई प्रदेशों में फसलें लहलहाती हैं, उसी यमुना के उद्गम स्थल पर लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पंपिंग पेयजल योजना की शुरुआत ठंडे बस्ते में पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि सभी का घर घर में पानी पहुंचे, बाल्टी में पानी होना चाहिए, टंकियों में पानी होना चाहिए। ये प्यास से तरस रहे हैं लोग यहाँ पर यमुना इतना सुंदर। मैं चाहता हूँ पंपिंग योजना बननी चाहिए और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे नगरवासियों को जगह जगह टैंक होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक होने चाहिए, जैसे नगर योजना का टैंक होता है ऐसा बहुत बड़ा टैंक होना चाहिए। और यमुना का पानी, इतना पवित्र यमुना जल बह रहा है हमारे यहाँ, और वो पानी पंपिंग के द्वारा उस टैंक में एकत्रित होना चाहिए और वहां से घर घर में पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी घर में लगनी चाहिए और वो पवित्र पानी जाना चाहिए। तो ये जो हमारा पानी होते हुए, हमारी यमुना होते हुए हम लोग तरस रहे हैं, ये दुखद विषय है। पिछले तीन दिनों से बड़कोट के निवासी पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ भजन के जरिए भगवान की साधना भी कर रहे हैं। लोग सरकार और ईश्वर दोनों से पानी की संकट दूर करने की आस लगाए बैठे हैं। हम लोग यहाँ पानी से बहुत परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो अपना काम वाम करते। और मैं सरकार से यही करूँगी गुजारिश कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे पंपिंग योजना दे हमारे लिए और हमें वही पानी की पीड़ा से मुक्त कराएगी। हमको पानी चाहिए, कहीं से भी लाओ पानी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान,
दो तीन महीने से ज्यादा परेशान हो गए, पूरे मकानों में पानी, नीचे मंजिल ऊपर की मंजिल कहीं पानी नहीं आ रहा। बता दें कि बड़कोट यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है और यात्रा काल में हजारों श्रद्धालु बड़कोट में रात्रि विश्राम भी करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ चार धाम यात्रियों को भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। बड़कोट लगातार प्रशासन से पंपिंग पेयजल की मांग कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि पीएम मोदी और धामी की तस्वीरों के आगे लोगों की जल आराधना की आवाज पहुँच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।